हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू फिश फूडीज। फिश फूडीज पर आज हम देखेंगे झनझनीत कोलंबी रस्सा यानी स्पाइसी प्रॉन्स करी की रेसिपी। यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉन्स करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम प्रॉन्स ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्रॉन्स ले लिए हैं, आप कोई भी साइज़ के प्रॉन्स ले सकते हैं। इसे हम मैरिनेट कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम करी के लिए मसाला बना लेंगे। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग जार में 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक बारीक कटे हुए और 4 से 5 लहसुन की कलियां, साथ ही साथ सूखा नारियल 1 कप, साथ ही साथ 1 कप के करीब ताजे हरे धनिया पत्ता हम इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्सिंग जार को बंद कर इसे अच्छे से पीस लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पीस चुका है, ये देखिए। हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। ये देखिए हमारा मसाला पीस चुका है, हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम चलते हैं मेन करी बनाने की ओर। करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन को हीट कर लिया है। उसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही हम इसमें 1 कप के करीब बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही हम इसमें 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। टमाटर के गलने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है और हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए इसके लिए हमने इसमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया है। हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून मालवनी मसाला ऐड कर लिया है। अगर आपके पास मालवनी मसाला अवेलेबल ना हो तो आप गरम मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टमाटर और प्याज के साथ हम सारे मसालों को 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें हमने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला साइड पर रखा था वो ऐड कर लेंगे। हमें इस ग्राइंड किए हुए मसाले को प्याज और टमाटर के मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चा स्मेल है मसाले में वो निकल जाए। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें से तेल छूट रहा है यानी हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स ऐड कर देंगे। मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को हम सारे मसालों के साथ एकजुट कर लेंगे। प्रॉन्स करी में खट्टापन लाने के लिए हम इसमें कोकम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोकम अवेलेबल ना हो तो आप ना ऐड करिए, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें 2 से 3 ग्लास के करीब गर्म पानी ऐड कर लेंगे। आपको आपके करीब में कितना थिकनेस पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा गर्म पानी ही ऐड करना, क्योंकि गर्म पानी ऐड करने से करी के सारे फ्लेवर्स अच्छे से निखर के आते हैं। अगर आपको करी में नमक कम लगे तो आपके टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा और इसे ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारे करी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, यानी हमारा प्रॉन्स करी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये महाराष्ट्रियन स्टाइल कोलंबी रस्सा प्रॉन्स करी की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बाजू में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए।
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।